स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रेडमी नोट 4, एमआई नोट 4 की डिस्प्ले लाइट का सलूशन देने जा रहे हैं आपको। तो आपको हम सबसे पहले ले चलते हैं इसके डिस्प्ले कनेक्टर की तरफ। ये इसका डिस्प्ले कनेक्टर है और ये इस साइड से अगर पिने गिनेंगे 1 2 3 4, ये 4 नंबर पर डिस्प्ले लाइट के लिए सप्लाई आती है, बूस्ट सप्लाई, जो कि 25 वोल्ट से 28 वोल्ट तक हो सकती है, 25 से 30 वोल्ट के बीच में रहती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पिन नंबर 4, इस साइड से राइट साइड से हम इसको काउंट करेंगे तो पिन नंबर 4 पर, यहाँ भी 1 2 3 4, ये पिन और ऊपर पिन नंबर 4, ये दोनों सेम एक ही पिन होती हैं, इन दोनों पर एक ही सप्लाई आती है। तो यहाँ पर ट्रैक आना चाहिए जो कि डायोड से आता है, जो डायोड ये लगा है ऊपर, इस डायोड से आता है। तो इसका सर्किट मैं आपको समझाता हूँ किस टाइप से ये काम करता है। ये डायोड से आता है, तो यहाँ से ये एक लाइन है, लाइन के पार होता हुआ डायोड पाएगा, डायोड को सप्लाई मिलेगी कॉइल से और कॉइल को सप्लाई मिलेगी आईसी से। तो यहाँ से आईसी से ट्रैक स्टार्ट होता है, इस कॉइल पर आता है, इस कॉइल से यहाँ डायोड में जाता है, डायोड से पास होकर इस लाइन में आएगा ऊपर और नीचे कैपेसिटर में आएगा। ये नीचे कैपेसिटर है और ऊपर डायोड है, ये लाइन है, लाइन से पार होकर डिस्प्ले में जाएगा। तो इसका मैं स्कीमेटिक्स आपको दिखा दूंगा अभी, आगे हम डायग्राम में भी समझा देंगे किस टाइप से ये वर्क करता है। तो ये 3 आइटम होते हैं मोस्टली इसके लिए, 3 4 आइटम, जैसे लाइट आईसी, कॉइल, डायोड, लाइन। तो आपको इनको ही चेक करना होगा। चलिए चलते हैं स्कीमेटिक्स की ओर, यहाँ आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे तरीके से। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने ग्रीन मार्क कर रखे हैं ना, ये आईसी से सप्लाई गई कॉइल पर, कॉइल से गए डायोड में, डायोड से आउटपुट होने के बाद जाती एक ऊपर एक नीचे, नीचे आती कैपेसिटर पर फिल्ट्रेशन के लिए और ऊपर जाती है लाइन में, उस लाइन से पार होके डिस्प्ले कनेक्टर पे जाती है सप्लाई, जो बूस्ट सप्लाई होती है 25 से 30 वोल्ट के बीच रहती है। इसी से डिस्प्ले की बैकलाइट ऑन होगी। अगर ये सप्लाई में कोई भी पार्ट ख़राब होगा इन पार्ट में से, तो डिस्प्ले लाइट नहीं चलेगी। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ, और ईजी आपको समझ में आएगा। ये इसका स्कीमेटिक्स डायग्राम है, इसमें आपको हम जूम करके दिखाते हैं अभी। इसमें आप समझ पा रहे हैं सर्किट को, ये विदाउट आईसी, विदाउट एनी पार्ट पीसीबी, ब्लैंक पीसीबी आप समझ लीजिए इसको। इसमें सीपीयू, ये सिर्फ पावर आईसी, तो पावर आईसी जो अभी हम आपको दिखा रहे थे ये आप देख सकते हैं, यह इस जगह पावर आईसी होती है, यहीं से पूरा सर्किट ऑपरेट होता है। जो हमने रेड पॉइंट कर रखा है इस टाइम, ये कॉइल के ट्रैक हैं, जो आईसी से कॉइल पर, कॉइल से डायोड पर, इसी टाइप से ट्रैक चलते हैं। ये कॉइल का दूसरा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है। तो हमें बेसिकली पहला पॉइंट देखना होता है, दूसरा पॉइंट पे तो सप्लाई आती ही है, तो पहले पॉइंट से ही हमें ट्रैक करना होता है इसको, जहाँ रेड पॉइंट ऑपरेट हो चल रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। देखिए ये डायोड का आउटपुट है, जो डायोड आउटपुट देता है तो एक नीचे फिल्ट्रेशन की तरफ आ रहा है, एक ऊपर लाइन की तरफ जा रहा है, लाइन से पार होकर डिस्प्ले में जाता है सीधे। इसी तरह से आपको सर्किट को ट्रेस करना होगा, जहाँ जहाँ रेड पॉइंट हो रहे हैं यहाँ यहाँ ट्रैक आने चाहिए, यानी कि मीटर पे अगर आप बीप रख के यहाँ टेस्ट करेंगे तो बीप बजेगी। अब देखिए लाइन का दूसरा पॉइंट, यहाँ से पीछे डिस्प्ले कनेक्टर की पिन नंबर 4 पर भी ट्रैक आना चाहिए, जहाँ रेड पॉइंट है यहाँ से डिस्प्ले की पिन नंबर 4 जो दिख रही है यहाँ पर रेड पॉइंट, वहाँ से यहाँ तक बीप आनी चाहिए। अगर वहाँ से यहाँ तक बीप नहीं आती तो आप इसमें जम्पर दे सकते हैं, जम्पर वायर लगा करके वहाँ से यहाँ सप्लाई पहुँचा सकते हैं, इस तरह से ये लाइट ऑपरेट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट्स में बताएं, और नए यूज़र सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सबसे पहले सोल्यूशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।